लोगों को नहीं मिल रही जाम की समस्या से राहत, जाने बुरी खबर इंसाफ की बात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। टोल वसूलने के बाद भी लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जहां बल्लभगढ़ में आज भी लोगों को जाम की समस्या से राहत नहीं मिल रही है और आज भी सोना फ्लाईओवर के नीचे लंबा जाम लगता है। दरअसल बल्लभगढ़ के इस पॉइंट पर जाम इसलिए लग जाता है क्योंकि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन, बस डिपो, सरकारी अस्पताल के साथ साथ सेक्टर 24-25 की तरफ इंडस्ट्रियल एरिया भी है और रोजाना लोग अपने काम पर इसी रास्ते से जाते हैं। वहीं बल्लभगढ़ रेलवे फ्लाईओवर से बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल भी इसी रास्ते से निकलती है, जिस वजह से यहाँ पर जाम लगने का कारण बना रहता है। बता दें कि यहाँ पर 8 ट्रैफिक के होमगार्ड जवान ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर समय मौजूद रहते हैं। जब भी जाम लगता है तुरंत सभी होमगार्ड जाम को खुलवा देते हैं। जरा सुनिए ट्रैफिक पुलिस का इस पर क्या कहना है। नहीं नहीं सर, जाम खुलवाते रहते हैं हम, यहाँ पर बताया तो है आपको, यहाँ पर मंडी है नज़दीक है, बस अड्डा नज़दीक है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, मेट्रो स्टेशन यहीं पर है, हॉस्पिटल भी यहीं पर है, सारा यहीं पर है जी, 500 मीटर के एरिया में। इनकी माने तो इनका कहना है कि यहाँ वाहनों की आवाजाही ज्यादा होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक की स्थिति बनी रहती है। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।